मैं हूं गर्विता, आप देख रहे हैं एसएन टीवी न्यूज चैनल। आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। केंद्र में भाजपा की सरकार के 4 साल पूरे होने पर सोमवार को भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे और योगेश पारू के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के आवास से शुरू होकर गदरपुर दिनेशपुर से होते हुए चक्की मोड़ तक निकाली गई। इस दौरान इससे पूर्व सभा का आयोजन कर भाजयुमो उपाध्यक्ष ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने विगत 4 वर्ष में गरीबों के जीवन स्तर सुधारने के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इस मौके पर भाजपा मंडल महामंत्री संजीव भतेजा, बिट्टू यादव, सतीश चुग, कैलाश शर्मा, गौरव रलहन, राकेश सिंह, सुशील शर्मा, भूपेंद्र आर्या, गोविंद सिंह चौहान, कुलविंदर पानू, चंद्र चुपाल, सुधीर प्रताप आदि मौजूद रहे। भारत का मान बढ़ा है, सैकड़ों योजनाएं गरीब जनता के लिए चला रहे हैं, उसी को लेकर मोदी जी की योजनाओं के व्यक्ति तक पहुंचाने के लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने भी ये बाइक रैली निकाली है। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 साल हो गए हमारी सरकार बने हुए, उसी के उपलक्ष्य में आज युवा मोर्चा द्वारा एक बाइक रैली का विशाल प्रमोशन हुआ है, जिसमें सभी युवाओं ने मिलकर निर्णय लिया है कि देश भर में एक मैसेज हो रहा है कि पेट्रोल महंगा, उसी के विरोध में आज सभी युवाओं ने एक मैसेज पहुंचाना चाहा है कि पेट्रोल चाहे कितना भी महंगा हो जाए, हम वोट मोदी को ही देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार की जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा बाइक रैली निकाल रहा है।